नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकिता भार्गव। वेलकम टू द शो। ये एक ऐसा शो है जो उस जज्बे को डेडिकेटेड है जिसे जीवन की सबसे बड़ी अचीवमेंट माना जाता है, जिसके आते ही जीवन का एक नया दौर शुरू हो जाता है। मैं बात कर रही हूँ पेरेंटहुड की। पेरेंटहुड जो आते ही जीवन में बहुत सारी खुशियाँ लाता है। और ये बात भी सच है कि बिना पेरेंटहुड के जीवन बहुत फीका हो जाता है। आँखें सूनी हो जाती हैं, गोद खाली, और घर में खुशी का माहौल ही नहीं बन पाता। निराशा और उदासी की इस कैद से कपल्स को दूर भगाने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं ऑब्स्टेट्रिशियन, गायनोकोलॉजिस्ट, IVF, GIFT एंड ICSI स्पेशलिस्ट डॉक्टर नंदिता पालशेटकर जी। एक नाम जो फर्टिलिटी के क्षेत्र में बहुत अहम है वो है नंदिता पालशेटकर। IVF जैसे कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर को आम लोगों तक पहुंचाने में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। IVF, IUI, ICSI, IMSI, GIFT स्पेशलिस्ट नंदिता पालशेटकर के कारण अब तक हजारों निसंतान दंपत्ति संतान सुख प्राप्त कर चुके हैं। पिछले दो दशकों से इन्होंने गायनेकोलॉजी और फर्टिलिटी के क्षेत्र में नई संभावनाओं का विकास किया है, जिसके कारण इन्हें अनेक पुरस्कारों और सम्मानों से नवाजा गया है। IVF ब्लूम लीलावती, हरकिशन दास, DY पाटिल और 40 ग्रुप जैसे हॉस्पिटल्स में कार्यरत नंदिता पालशेटकर इस क्षेत्र में निरंतर सक्रिय हैं। तो दोस्तों, खुशी की बात तो ये है कि आज हमारे बीच मौजूद हैं डॉक्टर नंदिता पालशेटकर जी। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं। वेलकम डॉक्टर साहब। थैंक यू। ऐसे बहुत सारे कपल्स हैं जो संतान प्राप्ति के लिए काफ़ी कोशिश करते रहते हैं सालों तक, पर ऐसे सिचुएशन में अगर सही इन्फॉर्मेशन मिले, एक्सपर्ट एडवाइस मिले, तो आधी परेशानी तो यूं ही सॉल्व हो जाती है। डेफिनेटली। सो आज के इस एपिसोड में मैं बात करना चाहूँगी रिपीटेड IVF फेलियर के बारे में। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज गोइंग टू बी, व्हाट इज रिपीटेड IVF फेलियर? आई थिंक अंकिता, ये प्रश्न का उत्तर देने से पहले हम एटलीस्ट श्रोताओं को बता दें कि IVF मतलब क्या होता है। IVF मतलब हम बच्चा तैयार करते हैं शरीर के बाहर। इस प्रक्रिया में हम जो लड़की होती है उसे इंजेक्शंस देते हैं और बहुत सारे अंडे तैयार करते हैं या स्त्री बीज तैयार करते हैं। अबाउट 10 to 15 इज़ वॉट वी एम फॉर। और उसके बाद वो जब तैयार हो जाते हैं तो सोनोग्राफी करके हम वो शरीर से बाहर निकालते हैं। ये 10-15 मिनट का प्रोसीजर होता है। ऑफकोर्स एनेस्थीसिया देते हैं तो लड़की को कुछ भी पता नहीं चलता है और 3-4 घंटे में वो घर भी जाती है। और उसी वक्त उसके हस्बैंड के स्पर्म्स लिए जाते हैं और लेबोरेटरी में ये एग्स और स्पर्म्स उनका मिलन करके बच्चा तैयार करता है एक्सटर्नली। एब्सोल्युटली, इन द लेबोरेटरी। और फिर ये जो बच्चा, हम इसे एम्ब्रियो बोलते हैं, और ये एम्ब्रियो फिर वो लड़की के यूट्रस में वापस डाल दिया जाता है। ओके, ओके। और इसे IVF कहते हैं। जब काफ़ी पेशेंट्स होते हैं जिनके बहुत बार IVF कर चुके होते हैं और फिर भी उनको सक्सेस नहीं मिलता है, तो इनमें ट्रबल शूटिंग करना बहुत ज़रूरी है। ओके। एंड ट्रबल शूटिंग हम अलग अलग किस्से में कर सकते हैं। तो पहले तो है कि IVF के पहले जो ट्रीटमेंट करते हैं, हम लोग दवाई देते हैं या सर्जरी करते हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि उसे फाइब्रॉइड्स है क्या देखें, एंडोमेट्रियोसिस है क्या देखें। एक हिस्ट्रोस्कोपी करके एक टेस्ट होता है जहां हम दूरबीन उसके थैली के अंदर डालते हैं। okay. और थैली के अंदर का वातावरण देखते हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे केसेस में हिस्ट्रोस्कोपी नहीं की होती है। ये सब प्री IVF होता है या IVF फेलियर के बाद होता है? आइडियली अभी तो प्री IVF करना चाहिए। बट क्या होता है, कभी कभी लड़कियां तैयार नहीं होती है सर्जरी के लिए। बहुत सारे वक्त मेल प्रॉब्लम होता है कि हस्बैंड के स्पर्म्स की वजह से ये हो जाता है, तो लड़की को तो लगता है कि मैं तो नॉर्मल हूँ जी। तो वो सर्जरी के लिए फट करके तैयार नहीं होती है जी, जी। तो इसलिए ये दूरबीन हम लोग, अगर उसकी नहीं की गई हो तो दूरबीन थैली के अंदर डाल के हम देख सकते हैं। ये हुआ प्री IVF ट्रीटमेंट। फिर दूसरे कई टेक्निक्स है जो अवेलेबल है, लाइक लेबोरेटरी में। लेबोरेटरी में काफ़ी चेंजेस आए हुए हैं। जो मैंने आपको पहले बताया वो सिंपल IVF है, वो 1978 में पहली बेबी बॉर्न हुई थी UK में जी। और 1992 में एक नया नई टेक्निक आई, उसे ICSI कहते हैं। ICSI में ये क्या है कि ये एक मशीन होता है माइक्रो मैनिपुलेटर, और वहाँ हम एक
अंडा लेते हैं, एक स्पर्म लेते हैं और एक्चुअली इंजेक्ट करते हैं अंदर. सो उससे काफ़ी सक्सेस रेट बढ़ गया है. और अभी दो साल पहले हमने जो इंट्रोड्यूस किया है एक टेक्नोलॉजी करके IMSI, IMSI उसे बोलते हैं. और उसमें क्या करते हैं कि जो शुक्राणु होता है उसे हम 7200 टाइम एनलार्ज करते हैं. क्योंकि इट्स यू नो 100 microns. और वो इतना एनलार्ज करने के बाद उसमें कोई डिफेक्ट्स है क्या, प्रॉब्लम्स है क्या, वो पिकअप किया जाता है. और एक्चुअली ये टेक्निक जब हम रिपीटेड IVF फेलियर्स पे यूज़ करते हैं तो डेफिनेटली सक्सेस रेट बढ़ता है. क्योंकि जो एबनॉर्मल स्पर्म्स है वो एलिमिनेट हो जाते हैं. जिन लोगों में यू नो कई लड़कियां ऐसी होती हैं उनके एग्स बराबर नहीं होते हैं कि एग की क्वालिटी ख़राब होती है. हमारे देश में तो ट्यूबरकुलोसिस बहुत ही है, टीबी की बीमारी बहुत ज़्यादा दिखती है. तो उन पेशेंट्स में कभी कभी, बहुत कम, मतलब ज़्यादा नहीं बट कम, कई पेशेंट्स में हमें एग डोनेशन भी करना पड़ता है. तो देन दिस इज एन ऑप्शन टू इम्प्रूव द प्रेगनेंसी रेट इन दीज पेशेंट्स. तो डॉक्टर नंदिता, दूसरा सवाल ये होगा कि मान लीजिए कपल ने एक IVF साइकिल करा लिया और अब टाइम है कि उनको दूसरा साइकिल कराना चाहिए, तो इन दो साइकिल्स के बीच में कितना टाइम पीरियड है जो हमें वेट करना चाहिए? आई थिंक अगर आप टाइम पीरियड का सोच रहे हो तो एज ऑफ द गर्ल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इफ़ शी इज़ यंगर देन 35 तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, एक महीना, दो महीना, तीन महीने के बाद भी करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं. बट अगर 35 के ऊपर एज होगा तो यू नो द बायोलॉजिकल टाइम स्पैन जो होता है कि एजिंग चालू रहता है, कॉन्स्टेंटली एजिंग चालू रहता है, तो जल्दी करोगे तो अच्छा होगा. तो इसलिए मेरी राय है, यू नो लाइक कैसे लगता है कि एक साइकिल फेल हो गया तो कुछ रिकवरी पीरियड होना चाहिए, फिजिकल रिकवरी. आई थिंक फिजिकल से साइकोलॉजिकल रिकवरी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. क्योंकि अगर नेगेटिव आया तो बहुत सारा डिप्रेशन आ जाता है, तो उसमें से बाहर निकलना बहुत इम्पॉर्टेंट है. क्योंकि मेरे हिसाब में जो मेरी यू नो पेशेंट्स होती है जो एकदम रिलैक्स्ड होती है, यू नो हंसते हंसते आती है, करती है और ट्रीटमेंट्स लेती है, तो उनमें सक्सेस रेट डेफिनेटली हायर है. इनफैक्ट अभी पढ़ा होगा आपने यू नो न्यूज़पेपर टाइम्स ऑफ इंडिया में आया था कि जो मेडिकल क्लाउन्स आके एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद हंसा रहे थे पेशेंट्स को, उनका प्रेगनेंसी रेट ज़्यादा था कंपेयर टू दोज पेशेंट्स जिन्हें मेडिकल क्लाउन्स नहीं गए मिलने. सो पॉजिटिव एनर्जी, खुशी हम इस बात में डालते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो टाइम फ्रेम इज नॉट इंपॉर्टेंट, आई थिंक मेंटल रिकवरी इज रियली रियली इंपॉर्टेंट. तो मतलब IVF इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द मंथली साइकिल. ऐसा कुछ नहीं है कि एक साइकिल हो गई तो वी हैव टू गिव आवर बॉडी अ टाइम कि थोड़ा रिकवरी हो जाए, ऐसा कुछ इंतजार करने की जरूरत नहीं है. ऐसे कुछ ज़रूरी नहीं है. ओके, बट इज़ देर एनी सॉर्ट ऑफ काउंसलिंग, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग जो आप पेशेंट्स को देते हैं ताकि वो IVF से डरे ना और फेलियर के बाद भी निरंतर लगे रहें? क्योंकि संतान प्राप्ति एक ऐसी चीज़ है जो हर कोई चाहता है पर कहीं ना कहीं जाके वो हिम्मत ज़रूर टूट जाती है. तो क्या आप कुछ ऐसी साइकोलॉजिकल काउंसलिंग रिकमेंड करती हैं? यू नो हमारी जो IVF साइकिल हम ऑफर करते हैं उसके साथ फ्री काउंसलिंग सेशन रहता है. आई थिंक काउंसलिंग इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. और अभी जो ICMR की गाइडलाइंस भी आ रही है, जो लॉ बन जाएगा हमारे देश में, उसमें भी लिखा हुआ है कि काउंसलिंग इज़ कंपल्सरी इनफैक्ट. और काउंसलर की ज़रूरत है, बट प्रॉब्लम हमारे कंट्री में ये है कि डॉक्टर ही काउंसलिंग करे ऐसी उम्मीद रखते हैं पेशेंट्स. यू नो तो काफ़ी डॉक्टर्स, मतलब मैं भी काफ़ी देर बात करती हूँ और यू नो काइंड ऑफ साइकोथेरेपी जो हम बोलते देते एक सपोर्ट सिस्टम, बट वक्त कम होता है. तो इसलिए हमने एक यू नो एक इंडिपेंडेंट काउंसलर होता है जो एक्चुअली बैठ के बात करता है. और काउंसलिंग की बहुत बहुत ज़रूरत है. वंडरफुल. यू नो आज इस एपिसोड में हमने सिर्फ टेक्निकलिटीज ही नहीं टच की हैं बट वी ऑल्सो गॉटन डाउन टू द होल फैक्ट कि इंसान सिर्फ दवाइयों या मशीनों से नहीं, उसको इमोशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. आप हमारे सेट पे आए, अपना कीमती समय हमें दिया. थैंक यू सो मच डॉक्टर नंदिता. एंजॉय. थैंक यू. ऑलराइट फ्रेंड्स, नाउ इट्स टाइम टू से गुडबाय. लेकिन अगले एपिसोड में इनफर्टिलिटी को लेकर एक और पहलू मैं आपके सामने लेके आने वाली हूँ. अंटिल देन टेक केयर. हमारी कामना आपका आनंदमय जीवन. लाइक, शेयर, सब्सक्राइब फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़.